दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक चीज में बताना चाहूंगा कि ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे आने वाला हर कंटेंट केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे किसी भी लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ पे केवल और केवल सेटअप उसके सॉफ्टवेयर की अपडेट दी जाती है, जो भी इसमें इशू होता है उसको सॉल्व किया जाता है। और अगर इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी कंटेंट का कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए मैं या फिर ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, अगर अभी भी पुराने वाले पगरिया 50-50, 60-60 एमई सीरीज के लिए सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। साथ में जो आप साइड में रिमोट देख रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में एक सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, जितने भी सॉफ्टवेयर आपको मैं देने वाला हूं, जिस भी सेटअप बॉक्स में आपका ये वाला रिमोट काम करेगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपके डब्बे में ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और साथ में रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे। और आज की ये जो दोस्तों वीडियो है मोस्ट अपडेटेड वीडियो, क्योंकि आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिए हैं या कहीं भी आपने यूट्यूब से सॉफ्टवेयर कोई चेक किए हैं, आप सबका मेरे लिए एक ही क्वेश्चन होता था कि भाई पगारिया के ओल्ड बॉक्स के लिए सॉफ्टवेयर कब आएगा। ठीक है, आज किस वीडियो में आपका इंतजार हुआ खत्म। आज किस वीडियो में आपको दो सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं, मतलब दो बोर्ड के लिए सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं। एक पगारिया पुराने वाले बोर्ड के लिए जो कि एमई 1.0 वाला होता है, ठीक है, और दूसरा पगारिया एनके वाले सीरीज का जितने भी बोर्ड आते हैं उनके लिए। ठीक है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये करूंगा प्लीज वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी ये चीज़ पूछनी पड़ेगी कि भाई पगारिया ओल्ड वाले डब्बे के लिए कोई सॉफ्टवेयर आया है या नहीं आया है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना शुरू से अंत तक। साथ में रिक्वेस्ट ये भी करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, शेयर नहीं करा वीडियो को तो शेयर भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन जो है उसको भी जरूर से प्रेस करते हैं। ये जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ याद आ रहा होगा इस सॉफ्टवेयर को देख के। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये पैच हुआ था, सबसे पहले स्टार सेट का सॉफ्टवेयर था, ये पैच हुआ था पगारिया 50-50 60-60 एनके वाले बोर्ड के लिए। ठीक है, और ट्रिपलेट प्लस ये सॉफ्टवेयर जो है वो पैच हुआ था। उसके बाद जब पर इसमें दिक्कत ये थी सॉफ्टवेयर में कि जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को अपने सेटअप बॉक्स में करोगे इंस्टॉल तो उसके बाद यूएसबी के थ्रू कोई और सॉफ्टवेयर वहां पे नहीं होता था। ठीक है, और साथ में अगर इसको डाउनग्रेड करना होता था तो भी वो पॉसिबल नहीं था, उसके लिए वो दो ही रास्ते थे, RS-232 या फिर आपका प्रोग्रामर। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे आपको मैंने अपडेट दिया था इसके लिए, मतलब इस सॉफ्टवेयर के बाद स्टारसेट के सॉफ्टवेयर के बाद मैं आपको तीन अपडेट दे चुका हूं सेम इसी बोर्ड के लिए जो कि यूएसबी से आपका हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं 4 से 5 सॉफ्टवेयर देने वाला हूं और ये तो मैं कंफर्म करके बोल सकता हूं कि आपको ये अपडेट जो है बिल्कुल पसंद आएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पास चाहे ट्रिपलेट डब्बा है या ट्रिपलेट प्लस है जिस पे आपने स्टारसेट का सॉफ्टवेयर किया था, ठीक है, चाहे आपके पास पगारिया 50-50 60-60 जिस पे आपने स्टारसेट का सॉफ्टवेयर किया था, ठीक है, मेन चीज चाहे आपके पास पगारिया 50-50 60-60 का ओल्ड वाला डब्बा जो कि एमई स्काई मीडिया जिस पे लिखा होता है या स्काई एमई लिखा होता है, कई बार एमई 1.0 वाला जो भी आपके पास, वहां पे सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके देख लेना, अगर वहां पे एमई लिखा है 1.0 हार्डवेयर वर्जन के साथ तो उस पे भी ये सॉफ्टवेयर जो मैं आपको देने वाला हूं ये बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, वन बाय वन वीडियो को देखते रहना शुरू से अंत तक। ठीक है, और रिक्वेस्ट ये भी करूंगा साथ में वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने ये स्टार सेट वाला सॉफ्टवेयर जो है अपने डब्बे में करा है इंस्टॉल तो उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सपेंशन पे जाना है और यहां पे बैक अपना अपग्रेड बाय यूएसबी यहां पे आपको कर देना है सिलेक्ट। जैसे यहां पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फाइल पैथ पे जाने के बाद यहां पे आपको जितने भी ये सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 सॉफ्टवेयर जो दिख रहे हैं, ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर का लिंक जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आपने वहां पे जाना है और उसको कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पुराने वाले डब्बे की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले अगर आपके पास पगारिया वाला पुराने वाला डब्बा है तो सबसे पहले आपको ये वाला 6605S NK स्टार सेट फर्स्ट, आप देख रहे हैं स्टार सेट के आगे फर्स्ट लिखा है,
एनके को भूल जाना कि यहाँ पे एनके लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पुराने वाले डब्बे पे भी वहां पे इंस्टॉल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट पे यहाँ पे करना है आपको सिलेक्ट, और उसके बाद प्रेस ओके यहाँ पे कर देना है। जैसे आप प्रेस ओके करेंगे तो यहाँ पे जो आपका अपग्रेड है, जो आपकी इंस्टॉलेशन है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और साथ में नीचे आपको बेटिंग लिखने के बाद नीचे एक छोटी सी वार्निंग भी है, डोंट कट ऑफ द पावर। इंस्टॉलेशन के दौरान किसी भी सेटअप बॉक्स में अगर आप यूएसबी से कोई सॉफ्टवेयर करते हैं और इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आपका पावर कट हो जाता है, लाइट आपकी चली जाती है, तो मेरे भाई फिर आपका डब्बा जो है वो डेड हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप यूएसबी के थ्रू किसी भी सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर करें तो पावर बैकअप के साथ या अपना यूपीएस के साथ अपना सेटअप बॉक्स जो होगा वो पहले अटैच होना चाहिए। ट्रैक एंड प्ले का आ चुका है लोगो। मैं आपको एक वीडियो जो थोड़ी लंबी जाएगी इसलिए रिक्वेस्ट ये करूंगा, तसल्ली से बैठ जाना, समझ लेने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं स्टार सेट वाला सेम यहाँ पे आ चुका है, जो भी इंटरफेस है वो स्टार सेट का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ अबाउट एस टी वी पे तो ये देख सकते हैं दिसंबर 19 2018 का ये सॉफ्टवेयर जो मैंने उस टाइम आपको दिया था, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहां पे नेक्स्ट अपडेट की। तो आपको दोबारा से ये सॉफ्टवेयर आपने यहां पे फ्लैश कर दिया, उसके बाद दोबारा से आपको जा रहा है एक्सपेंशन पे, और एक्सपेंशन पे जाने के बाद अपग्रेड बाय यूएसबी यहां पे कर देना है ओके। और ओके करने के बाद फाइल पैथ पे जाना है, और यहां पे फाइल पैथ पे जाने के बाद जो 6605S NK स्टार सेट सेकंड लिखा है यहां पे देख सकते हैं, लास्ट में सेकंड लिखा है, ये वाला सॉफ्टवेयर आपको यहां पे करना है सिलेक्ट और यहां पे स्टार्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप यहां पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से वही अपग्रेड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं ये आपके पगारिया नए वाले डब्बे पे भी काम करेगा, पगारिया पुराने वाले डब्बे पे भी काम करेगा, वीजोन ट्रिपलेट ट्रिपलेट प्लस में भी काम करेगा, और जो कि विदाउट वीजोन है ट्रिपलेट ट्रिपलेट प्लस आता है मेड इन दिल्ली वाला, उस पर भी ये बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। तो अभी वही है सेम सिचुएशन आपकी कि आपका डब्बा बंद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका पावर कट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका डब्बा जो हो जाएगा बंद। यहाँ पे रिबूट हमारा सेटअप बॉक्स जो है वो हो चुका है, अब इसको फुली पहले रिबूट होने देते हैं। ट्रैक एंड प्ले का आ चुका है लोगो, और लोगो आने के बाद इसको पहले तो पूरा बूटअप जो है वो होने देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बूट होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो या फिर आपका सेटअप बॉक्स हो। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सेटअप बॉक्स हो चुका है रीबूट, और रीबूट होने के बाद सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको मेन्यू में। तो ये है वो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सेटिंग कहाँ गया, सेटिंग था, और सेटिंग में जाने के बाद अबाउट एसटीबी में आप देख सकते हैं जुलाई महीने की अपडेट दी थी मैंने आपको ये वाली, ठीक है। पहला स्टार सेट का सॉफ्टवेयर दिया था 2018 दिसंबर में, दूसरा ये जो अपडेट दिया था ये दी थी मैंने जुलाई 18 2019 को। इससे पहले भी एक अपडेट दिया था मैंने, पर उसकी जरूरत नहीं है आपको इंस्टॉल करने की, डायरेक्टली आपको लेटेस्ट वाला यही जुलाई 2018 का कर लेना है इंस्टॉल, चाहे आपका पुराने वाला डब्बा है पगारिया का या फिर नए वाला डब्बा है पगारिया का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको यही सॉफ्टवेयर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर यही सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है तो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। उसके बाद बात आती है कि अगला अपडेट क्या है इसके लिए। अगला अपडेट दोबारा से आपको क्या करना है कि यहां पे एक्सपेंशन पे जाना है, और एक्सपेंशन पे जाने के बाद सबसे नीचे अपग्रेड एंड बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे जाना है और यूएसबी अपग्रेड फर्स्ट ऑप्शन में अपग्रेड टाइप में सिलेक्ट करना है, और फाइल पैथ पे जाके यहां पे आपको क्या करना है, न्यू सॉफ्टवेयर वन डॉट बिन, ये चारों की चारों फाइलें जो हैं, ये 1 2 3 4, ये चारों की चारों फाइलें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड वहां से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको क्या करना है, अब लेटेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे, 2018 से हमने शुरू करा, जुलाई 2019 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अब आगे और अपडेट हमें इसको करना है, न्यू सॉफ्टवेयर वन डॉट वेन के नाम से यहां पे आपको फाइल मिल जाएगी, यहां पे करना है आपको सेलेक्ट और उस पर बात करना है स्टार्ट पे ओके। जैसे आप यहां पे स्टार्ट पे ओके करेंगे तो सेम प्रोसेस वैसे ही दोबारा से स्टार्ट हो गया, वेटिंग डोंट कट ऑफ द पावर, आपका सेटअप बॉक्स जो है वो कट नहीं होना चाहिए, उसकी पावर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों द्वारा आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ में बेल वाला आइकन जो है उसको जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे हर सेटअप बॉक्स के बारे में सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो मिलता रहेगा।
यहाँ पे हमारा डब्बा जो है वो हो चुका है रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट होने के बाद एक बार इसको फुली बूटअप होने देते हैं। बूटअप हमारा सेटअप जो है दोस्तों वो हो चुका है। तो देख सकते हैं ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ये ऊपर स्क्रॉल चलता रहेगा, ठीक है, ट्रैक एंड पे पारस क्रिएशंस यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये ऊपर स्क्रॉल चलता रहेगा चाहे आपका चैनल आए या ना आए, ठीक है। और सेंटर में जहाँ पे नो सिग्नल आता था वहाँ पे मैंने लिख दिया है सिग्नल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ पहले इस सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सेम लुक आपको मिलेगा पगरिया 5050 6060 और यही 6605S 5814, मतलब आपका सॉलिड के बॉक्सों में सेम इंटरफेस मिलेगा। इसमें क्या क्या कुछ खास देखने को मिलेगा आपको, वही है चैनल लिस्ट में, टीवी चैनल, रेडियो चैनल, डिलीट ऑल, उसके बाद सिस्टम सेटिंग की बात करें, टाइम सेटिंग, टाइमर सेटिंग, लैंग्वेज, ऑडियो वीडियो, OSD, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इंस्टॉलेशन की बात करें वही सारा ऑप्शन है। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे स्टार सेट सॉफ्टवेयर फॉर GX6605S और ये जो सॉफ्टवेयर है वो 11/9/2019 इसी महीने की 11 तारीख का सॉफ्टवेयर, ये चाहे आप पगरिया के पुराने वाले डब्बे में करो, पगरिया नए वाले डब्बे में करो जी, पर ये बात ध्यान में रख लेना, अगर आपके पास नया डब्बा है पगरिया का या पुराना डब्बा है पगरिया का, तो सबसे पहले जो 1/1 ऊपर से नीचे तक मैं सॉफ्टवेयर 1/1 इंस्टॉल कर रहा हूं, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो वहां पे USB से इंस्टॉल नहीं होगा, ये ध्यान में रख लेना बात को, ठीक है। सबसे पहले आपको 2018 दिसंबर वाला वो जो स्टार सेट का सॉफ्टवेयर दिया था मैंने आपको, वो आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जुलाई 2019 का जो सॉफ्टवेयर आपको दिया मैंने, वो आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये आपको वहां पे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। रिव्यू थोड़ा सा बता देता हूँ, सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपको दिखा दिया मैंने, यहाँ पे फैक्ट्री सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा, CA सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, नेटवर्क सेटिंग में वही है वाईफाई आपका, ठीक है, नॉट कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है कनेक्ट। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पहले तो कनेक्ट, तो यहाँ पे हमारा वाईफाई जो है बाबा बेसिक के साथ हो चुका है कनेक्ट। उसके बाद IPTV की बात करें तो ये वो सॉफ्टवेयर है पगरिया के लिए, पगरिया 5050, पगरिया 6060, पुराने वाला डब्बा, नए वाला डब्बा, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट प्लस, चाहे वो वीजोन का हो या फिर दिल्ली मेड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट प्लस, आपको इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट चैनल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लू कलर का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो भी मैंने आईपी जो आपको M3 फाइलें दी थी वो सारी की सारी यहाँ पे मैं अटैच कर सकता हूँ। ये आपका पगारिया 5050, पगारिया 6060 डब्बे में हो रहा है। अगर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर रखना है तो आप इस सॉफ्टवेयर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं रखना है तो एक नया सॉफ्टवेयर आपको न्यू लुक के साथ मैं दे रहा हूँ, वो भी आप अपने हिसाब से जो भी आप कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। M3U फाइल के लिए कल वीडियो मॉर्निंग में आ जाएगा, आपके क्लैन 8007, वीजोन 8009 के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी आपको दिया जाएगा M3U फाइल के लिए, और साथ में आपको लेटेस्ट वाली M3U फाइल भी दी जाएगी ऑल इंडियन चैनल नॉर्थ प्लस साउथ चैनल के साथ आपको वो फाइल दी जाएगी बिना किसी दिक्कत के। कल वाला वीडियो मॉर्निंग वाला जरूर देख लेना। शाम को भी एक वीडियो आएगा आपको पगारिया के बॉक्स के लिए भी नई अपडेट है, वो भी आपको मैं दे दूंगा, तो शाम वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। अगर आपको ये ही सॉफ्टवेयर रखना है तो आप इसी सॉफ्टवेयर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉकर का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टॉकर वही है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ पे उसको प्ले कर सकते हैं। एक्सट्रीम IPTV का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाएगा, मेरे ख्याल से यूट्यूब यहाँ पे काम नहीं करेगा, बिल्कुल इनवैलिड यहाँ पे की बताएगा, यूट्यूब काम नहीं करेगा। MiGoGo नाम का एक यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड IPTV एप्लीकेशन मिल जाएगा, MiGoGo लैंग्वेज मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है ये, क्योंकि ये देख सकते हैं आपकी कुछ उल्टा ही लिखा है, तो MiGoGo नाम की एक एप्लीकेशन जो है वो आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन IPTV के लिए पगरिया 5050 6060 डब्बे पुराना चाहे नया डब्बा कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगी। उसके बाद किन्नो लाइव नाम की एक प्री इंस्टॉल्ड आपको IPTV एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। देख सकते हैं लैंग्वेज का तो मेरे को नहीं पता मेरे भाई कौन सी लैंग्वेज है ये, पर हाँ यहाँ पे जब आप चला के देखोगे तो बिल्कुल ये प्रॉपरली काम करेगा। उसके बाद की सेटिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, की सेटिंग में बिस की, पावर व्यू AU, यहाँ पे बिस की, अगर आपको बिस की ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बिस की अगर ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, जो कुछ आपको करना है वो आप बिस की ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। और हाँ टेनबर की जो है वो भी यहाँ पे बिस्की की ऑप्शन में लिखी जाएगी, 42 डिग्री ईस्ट पे जो आपका पैकेज चलता है फॉक्स नेटवर्क,
वो उसकी जो टर्नवर की है वो भी आप यहाँ पे 20 की ऑप्शन में जाके लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और बिल्कुल ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। इसके लिए भी डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पावर व्यू के सेक्शन में की बात करूँ, सेम टू सेम वैसा ही है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो कुछ अपने हिसाब से आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। पावर व्यू AU का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इस सेक्शन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे EMM कीज वगैरह वहाँ पे डाली होती हैं, जो कि अपना जब सॉफ्टवेयर पैच होता है तो उसमें सॉफ्टवेयर में आती हैं वो फाइलें, इसलिए EMM BU जो AU की यहाँ पे सेक्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे EMM कीज होती हैं, यहाँ उसके साथ छेड़खानी मत करना, ठीक है। उसके बाद कैम शेयर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। कैम शेयर में आपको सबको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे CC कैम, न्यू कैम, GS कैम, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अपने हिसाब से जो भी आपको करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड आपको एंटर करना है, और रजिस्ट्रेशन कोड एंटर करने के बाद आपको सेव वाला बटन यहाँ पे प्रेस कर देना है, तो आपका वो सारा जो कुछ क्या होता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया सेंटर में वो ही है पुराना ही, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपने देख लिया। अगर आपको ये भी सॉफ्टवेयर नहीं पसंद आता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको मतलब जितने भी आप बोलोगे उतने सॉफ्टवेयर आपको दे दिया जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी सॉफ्टवेयर आपको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, पर इसी सॉफ्टवेयर में चलेगा M3 फाइल, जब मैं कल की वीडियो में M3 फाइल दूंगा आपको, तो ये मत बोलना कि भाई सॉफ्टवेयर कहाँ है, इसी वीडियो जो ये सॉफ्टवेयर है इसी में चलेगा M3, ये ध्यान में रख लेना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की, जो कि लेटेस्ट अपडेट है, नया लुक आपको देने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे दोबारा से आपको जाना है, और यहाँ पे फाइल पैथ पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर 2.bin के नाम से एक फाइल आपको मिल जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आपको करना है अपने डब्बे में, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर करना है सेकंड नंबर पे, उसके बाद न्यू सॉफ्टवेयर 1 करना है आपको थर्ड नंबर पे, और उसके बाद लास्ट में आपको न्यू सॉफ्टवेयर 2.bin के नाम से ये सॉफ्टवेयर आपको करना है वहां पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहां पे सिलेक्ट, उसके बाद यहां पे स्टार्ट में करता हूं प्रेस ओके। जैसे प्रेस ओके करता हूं, सेम प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। अपग्रेड जो है वो USB के थ्रू हो रहा है, मेन चीज USB के थ्रू हो रहा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तो लिजी लोडर की ना प्रोग्रामर की, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक बार नहीं कम से कम 10 बार चेक हुए हैं, 10 बार मॉडिफाई किए गए हैं, और पैचिंग के दौरान आप सबको पता ही है, जो ये चीज़ें पैचिंग वगैरह जानते हैं तो उनको पता ही होगा ये चीज़ें, कि पैचिंग में एक बार नहीं कम से कम 20 बार वो चीज़ चेक होती है, तब जाके आपके पास वो चीज़ पहुँच रही है। हमारा सेटअप बॉक्स हो चुका है यहाँ पे रीबूट, और रीबूट होने के बाद सबसे पहले तो एक बार फुली रीबूट इसको होने देते हैं, उसके बाद ही देखते हैं क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। दोबारा बता दूं, ये सॉफ्टवेयर पगारिया ओल्ड ME वाली सीरीज के लिए भी चलेगा, पगारिया NK वाली सीरीज के लिए भी चलेगा, AAA AAA+ के लिए भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो VZone का AAA AAA+ है उस पर भी चलेगा। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको मेन मेन्यू में, और मेन मेन्यू में जाने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक जो है, इसका इंटरफेस जो है वो नया है। सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ अपना इंटरनेट कनेक्ट, और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद मैं आपको फिर उसका जो इसका रिव्यू है वो थोड़ा सा मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इंटरनेट हो चुका है कनेक्ट बाबा PC के साथ, फाइबरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए बाबा PC के साथ कर दिया यहाँ पे कनेक्ट। उसके बाद ले चलता हूँ सबसे पहले आपको चैनल एडिट में, तो चैनल एडिट में सबसे पहले चैनल TV चैनल्स रेडियो चैनल डिलीट ऑल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद सिस्टम सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइम सेटिंग, टाइमर सेटिंग, ऑडियो वीडियो लॉक, OSD कलर और नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें अगले ऑप्शन की, तो यहाँ पे एंटीना सेटिंग, मोटर सेटिंग या सैटेलाइट लिस्ट, TP लिस्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर यूटिलिटी में जाके, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आपको ये जो सॉफ्टवेयर है वो 13/9/2019 पिछले कल रात का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में GX6605S M की ME और GX6605S NK दोनों बोर्ड पे ये बिल्कुल काम करेगा बिना किसी दिक्कत के, बशर्ते 1x1 जो भी सॉफ्टवेयर आपको मैंने करके दिखाया वो 1x1 आपको सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे बिना किसी दिक्कत के। अब ये मत बोलना कि भाई पगारिया पुराने वाले डब्बे के लिए सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, आपको एक एक करके मैंने हर डब्बे के लिए सॉफ्टवेयर, अपने हर मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर दे दिया पगारिया के लिए। हाँ, अपडेट की बात करें बिल्कुल रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा बिना किसी दिक्कत के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलर अपडेट जो है मिलता रहेगा, ठीक है। हैश मोड की बात करें या टीमवर्क, हमारे पारस सर जो हैं, हैश मोड 34 वाला अपडेट नहीं है, मतलब 68 वाला, एक ही पैकेज काम करेगा दूसरा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद गेम्स में यहाँ पे स्नेक मिल जाएगा आपको और टेट्रिस मिल जाएगा, दोनों गेम में यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल जो है वो सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। यहाँ पे बात करें अगर मीडिया सेंटर की, तो यहाँ पे
मीडिया प्लेयर, पीवीआर मैनेजमेंट, रिकॉर्ड फाइल, यूट्यूब, यूट्यूब देखते हैं, चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता। नहीं, यूट्यूब काम नहीं कर रहा भाई, ठीक है। यूपॉन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा, सर्वर तो बंद है, अब ये कहाँ से काम करेगा मुझे नहीं पता, आप एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से, काम करेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि भाई यहाँ पे वो कुछ जो ऑप्शन आते थे, आने चाहिए, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब ओवरऑल जितने भी मैंने आपको वीडियो दे दिए अपने, सॉरी जितने भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिए, उनका मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जुलाई के महीने के बाद का जो भी सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया, जुलाई के महीने के बाद आपको दो सॉफ्टवेयर मैंने दिए, दोनों में 66 ओके, 68 एक पैकेज ओके, 76 ओके, 91 ओके, 105 ओके, ठीक है, ध्यान में रख लेना। 66 अगर ईएमएम कीज के वजह से अगर वो वहां पे ऑटोरोल नहीं होता तो आपको जाना है satellitetrackers.blogspot.com, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको जाना है, और वहां पे जाने के बाद आपको वहां पे सॉफ्टकैम फाइल भी मिल जाएगी और लेटेस्ट की पावर व्यू कीज भी मिल जाएंगी बिना किसी दिक्कत के, आप वहां से वो नोट डाउन कर सकते हैं और पावर व्यू के सेक्शन में जाके वो मैनुअली एंटर कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टकैम फाइल के आधार पे उसको अपने यूएसबी में डाल के उसको भी आप अपने यूएसबी के थ्रू पैच कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये वाला वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल वाला आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।